नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव की कृपा अब आप पर होगी, ये घटना आपका जीवन बदल करके रख देगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये मात्र 24 घंटे रह गए हैं और आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में शनिवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में क्या क्या बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको इन 24 घंटे के अंदर भूल कर भी नहीं करने हैं। वरना दोस्तों शनिदेव की दृष्टि के साथ अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उनकी कुदृष्टि आपके भविष्य को तबाह कर देगी। दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव 3 बार लिखकर अपनी गलती की क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। दोस्तों शनिदेव भले ही बहुत क्रूर हों लेकिन आपको बता दे कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपके हाथों कोई पाप ना हो जाए, कोई अनर्थ ना हो जाए। वह सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं और अपने भक्तों पे कृपा बरसाने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि शनिदेव जी की पूजा जितनी कठिन है उतनी सरल भी, क्योंकि इसका फल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके ऊपर कैसे शनिदेव की कृपा बरसने वाली है, लेकिन आपको ऐसे कार्य करने से बचना है जो आपके भविष्य को बर्बाद करके रख दे। तो चलिए आपके वक्त की कीमत समझते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आज आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आप अपने सभी कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से पूरा करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी छिपी हुई दबी हुई योग्यता दर प्रतिभा सबके सामने आएगी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घर की आवश्यकताओं को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वास की कार्य क्षमता द्वारा आप स्थितियों को और अधिक बेहतर बना पाने का प्रयास करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। पैतृक प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई मामला रुका हुआ है तो आज उस पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता के योग बन जाएंगे। धार्मिक संस्था के प्रति आपको तन और मन से सहयोग देना आपके लिए खुशी प्रदान करेगा। इसके साथ ही दोस्तों समाज में भी मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है और दोस्तों आज उस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। आज का दिन समाज सेवी संस्थाओं के साथ में मददगार साबित होने वाला है तथा धर्म कर्म संबंधित कार्य में आपकी रुचि अधिक रहने वाली है। युवा वर्ग दोस्तों अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम मिलने से तनाव मुक्त रहने वाले हैं। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर आप अपने कार्य संबंधित योजना में परिवर्तन लाएंगे जो बेहतरीन साबित होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों भाई बहनों के साथ में चल रहा कोई बात आपसी समझबूझ से आज हल होने वाला है और दोस्तों आपको अधिकतर काम मन मुताबिक तरीके से संपन्न होते हुए आपको नजर आएंगे, जिससे दोस्तों आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहने वाला है और किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात खुशी और ताजगी प्रदान करेगी। दोस्तों आपके व्यवसाय को लेकर बात करें तो आज आपका व्यवसाय काफ़ी अच्छा चलने वाला है, लेकिन अगले 24 घंटे में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो। दोस्तों अधिक एकाग्रता से आप ध्यान दे पाएंगे और आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल दिन सिद्ध होगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। आज व्यवसायिक गतिविधियाँ पूर्ववती ही रहेंगी, मेंटेनेंस संबंधित कार्यों पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। इसके साथ दोस्तों आपको अपने बजट का ध्यान अवश्य रखना है और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की संबंधित आज योग बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपको शनिवार के दिन में ऐसे कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में कष्ट आने का आगमन हो सके। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि शनिवार को आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए जिससे शनिदेव रुष्ट ना हो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार शनिदेव महाराज का दिन है। पुराणों के अनुसार शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं।
ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उनका प्रभाव अपने पिता सूर्यदेव से भी कई गुना ज्यादा है। हर मनुष्य के भविष्य में सूर्य सिर्फ एक महीने तक, चंद्रमा दो महीने तक, दो दिन तक और मंगल डेढ़ दिन तक, बुध एक महीने तक, शुक्र एक महीने तक और बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं। लेकिन शनिदेव किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहते हैं। किसी भी कुंडली में शनि आने के 3 महीने पहले से शनि अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब शनिदेव का प्रभाव आप पर हो तो आप ऐसी गलती भूल करके भी ना करें जो आपके लिए कष्टकारी साबित हो। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको प्लास्टिक की बोतल में सरसों का तेल शनिवार के दिन घर में भूल से भी नहीं लाना चाहिए और शनिवार को घर में तेल लाने से घर में कष्ट या फिर बीमारियां आ सकती हैं। इसके विपरीत दोस्तों, शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाने से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, कोयला, शनिवार को कोयला घर में लाना वर्जित माना गया है। कोयला काले रंग का होता है, जिसे घर में लाने का अर्थ होता है कि आप शनिदेव के स्वरूप को घर में ला रहे हैं। दूसरा, ये ईंधन होता है। मान्यता ये है कि शनिवार को किसी भी प्रकार का ईंधन घर में नहीं लाना चाहिए। इसे लाने पर आपके घर में बुरे समय की शुरुआत हो सकती है। झाड़ू, शनिवार को भूल करके भी झाड़ू आपको नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार को लाई हुई झाड़ू घर के धन को हानि पहुंचाती है। दोस्तों, आगे बताते हैं कि काले दिन आपको शनिवार को काले तिल खरीदना भी वर्जित किया गया है। शनि दशा में काले तिल का दाल अच्छे रूप से महत्व देता है। लेकिन दोस्तों, शनिवार को घर में काले तिल का आगमन शनिदेव के आगमन के समान हो सकता है। नमक, शनिवार को नमक खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। शनिवार को खरीदा हुआ नमक घर में बीमारियां ला सकता है। स्याही, शनिवार को स्याही बिल्कुल भी ना खरीदें, ये आपको अपेक्षाहीन कलंक दिला सकती है। शास्त्र के अनुसार शनिदेव को न्यायपालक का दर्जा दिया गया है। राजा हो या रंग, कोई भी उनके प्रभाव से नहीं बच सकता। शनि की वक्र दृष्टि अमीर से अमीर आदमी के छक्के छुड़ा सकती है। शनि की खासियत ये है कि वो धीरे धीरे आते हैं और बहुत धीरे धीरे ही चले जाते हैं। मतलब वो हमारे जीवन में जब भी आते हैं, लंबे समय तक ही रहते हैं। अगर आप जीवन में कोई भी गलत काम करते हैं तो शनिदेव निर्दयता से उसका फल आपको दे सकते हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।